Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिंदगी एक अनजाना सफर है, न जाने ये इंसान को कहां से कहां ले जाए। खाती कम है, शोर ज्यादा मचाती है। सब खा लेना। बोलो। अरे कहाँ जा रही है? मैं बाहर बैठ के खाऊंगी, यहाँ बहुत धुआं है। अच्छी। लो खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? तुम कब तक मेरे लिए रोटी चुरा चुरा कर लाती रहोगी? मैं चुरा के नहीं लाती हूँ, मैं अपने हिस्से की रोटी लाती हूँ। तुम मुझे खिलाकर खुद भूखी रह जाती हो। मैं भूखी क्यों हूँ? मैं काम पे चल जाती है, मैं चुरा के खा लेती हूँ। लो खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। कब तक नहीं खाओगी? जब तक तुम नहीं खाओगे। मैं कभी ना खाऊं तो? तो फिर मैं भी कभी ना खाऊंगी। मैं कहीं चला जाऊं तो? मैं तुम्हारी राह देखूंगी। कब तक? जीवन भर। मैं एक यतीम हूँ रूपा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं तो हूँ। लो खा लो। पहले तुम खाओ। पिला पिला के आग तो लगाए दे रहे हो, इसे बुझाने का भी कोई बंदोबस्त किया है? अजी सरकार, कभी कभी तो आप बम्बई शिमला आते और हमें आपकी खिदमत का मौका मिलता है। इस बार भी हम ऐश करवा देंगे। जैसे अपने बाप ही के माँ से तो ऐश करवाओगे? मेरे बाप का नहीं, आपके चचा का तो है। वही चचा तो मेरी राह का कांटा बना हुआ है। इसमें घबराने की क्या बात है? आपके सिवा उनका है कौन? उनके मरते ही शिमला के बागात, जंगलात, बंबई की सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। दौलत से चहल पहल हो जाएगी सरकार। दौलत का मजा जवानी में ही है धर्मदास। बुढ़ापे में अगर दौलत मिल भी जाए तो आदमी हरिद्वार जाकर राम नाम जपने के अलावा और कर भी कर सकता है। अजी सरकार, परमात्मा ना करे कि आप बूढ़े हो, अभी आपकी उम्र है ही क्या। और सरकार, दौलत दौलत तो ऐसी चीज है जो 100 साल के बूढ़े को भी जवान बना देती है। लेकिन तुमने तो मुझे जवानी में बूढ़ा समझ रखा है। 7 दिन हो गए शिमला आए हुए, एक भी दिन ऐश नहीं करवाया। अब मुझे अपना इंतजाम खुद ही करना होगा। अरे कहाँ चली गई? रूपा, रूपा। Thank you.
मुझे खामखा परेशान कर रही हो डाले, अब तुम मान भी जाओ, तुम बच सकती नहीं हो। मैं अब भी बच सकती हूँ। कैसे? ये तुमने क्या किया? जो हर शरीफ औरत को करना चाहिए। छोटे सरकार, ये क्या गजब कर दिया आपने? खून? धर्मदास, मैं... अच्छा, आप चिंता न कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, आप वापस बंबई चले जाइए। ठीक है धर्मदास, तुम तो हमारे पुराने आदमी हो। सरकार, वो तो ठीक है, लेकिन मैं... अरे इसे क्या हुआ? मुझे भी तो बताओ, ये कैसे मर गई? अब इस बच्ची का क्या होगा धर्मदास जी? बच्ची की तुम चिंता मत करो, ये बच्ची तो बिल्कुल बेसहारा हो गई। ओहो, बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाल लूंगा, समझे? ये मेरी सहेली की बेटी है, मैं इसे पालूंगी। मैं जानता हूँ तुम्हारी सहेली लक्ष्मी की बेटी है, लेकिन लक्ष्मी का मेरे साथ भी कोई संबंध था, वो मेरी फैक्ट्री में काम करती थी, और मैं ये नहीं चाहूंगा कि लक्ष्मी की बेटी दूसरों के टुकड़ों की मोहताज हो। मैं ये अधर्म नहीं होने दूंगा। सुनो भाई, ये 500 रुपए हैं, इस बेचारे की रकम अच्छी तरह कर देना, समझे तुम? आओ मेरी बच्ची, छोड़ो ना, आओ मेरी बेटी, मेरी लाडो, आओ। शाबाश शाबाश। ओ आओ बेटी, यहाँ। अरे बैठी है क्या, सुनती नहीं? चल आजा, चल। क्या नाम है तुम्हारा? रूपा। रूपा, कितना प्यारा नाम है। ये लो, मिठाई खाओ। नहीं खाओगी? अच्छा, तुम हमारे साथ चलोगी? हम तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने देंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? वहाँ मुझे सूरज नहीं मिलेगा। सूरज? ये सूरज कौन है? अजी, सूरज एक आवारा यतीम किस्म का लड़का है, आप इसे ले जाइए, इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। चल बेटी, चल ना। ओहो, चल ना, आ जा, यहाँ बैठ जा। अरे तू हट, चल चल बेटी। नहीं नहीं, चुप चुप, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, इसे ड्राइवर, चलो जल्दी चलो, चुप चल बेटी, चुप। ओ बच्चे, सूरज, सूरज बेटे, क्या हुआ तुझे, किसने मारा? हाय अल्लाह, उठो, आ मेरे साथ, आओ। वह किसी जल्लाद ने, अल्लाह ही इसकी जान बचाए। सूरज, लो बेटे, दूध पी। अरे, तुम्हारे दूसरे हाथ का कंगन कहाँ गया माजी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तू राधेश्याम सुनार को जानता है ना? हाँ। मैंने उसी के पास ठीक कराने के लिए दिया है, मुझे काम है, तू जाकर ले आ। ये ले 10 रुपए, बाकी के पैसे वापस ले आना। हाँ, मैं भी। अरे दूध तो पी ले। नहीं, मैं आके पीऊंगा। ए मुन्ने, तू कहाँ जा रहा है? इसे संभाल के ले जाना बेटे। क्यों फातिमा बीबी, घर में यतीम खाना खोल रखा है क्या? क्या बिगाड़ा था उस यतीम ने तुम्हारा, जो उसकी जान लेने पर आमादा हो गए? अरे दिन दहाड़े चोरी कर रहा था, मेरी एक मेहमान औरत का पर्स लेकर भाग रहा था ये लड़का। अरे खुदा के कहर से तो डरो धर्मदास, अल्लाह के घर में देर है अंधे नहीं, कि उस बेचारे पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। कभी न कभी किसी गरीब की हाय पड़ेगी तुम पर। हाँ, मैं इन बातों से नहीं डरता। अगर डरते होते तो गरीबों के खून से अपने हाथ नहीं रंगते। क्या मतलब? लक्ष्मी का खून कोई पहला खून नहीं था, इससे पहले कई लड़कियां इन जंगलात में मौत का शिकार हो चुकी है। तो तुम मुझे धमका रही हो? धमका नहीं रही हूँ, पुलिस में जाकर रिपोर्ट करूंगी। पुलिस में जाकर रिपोर्ट करूंगी? हाँ हाँ, पुलिस में जाकर रिपोर्ट करूंगी, याद रखना। ये लो, संभाल के ले जाना। ये क्या कंगन तो लड़कियां पहनती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुब्बारे हैं, जन्नत के नजारे हैं। गुब्बारे चाहिए? नहीं, देर हो गई तो माँ डांटेगी। अच्छा बाबा, ठहर, अभी लाता हूँ।
हो गई, अभी तक क्यों नहीं आया? अरे भाई अब्दुल जरा सुन तो, तुमने मेरी दिलशाद को देखा? जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नहीं, अरे रामू तूने मेरी दिलशाद को देखा? सूरज के साथ गया पता नहीं जहां कहीं होगा। मैंने क्यों सूरज के साथ जाने दिया? अरे धर्मदास, बंबई कब आया तू? अभी अभी आया सरकार। वाह भाई वाह, आप तो यहाँ बहुत मौज मजा कर रहे हैं। अरे भी करीब आ जाओ, आराम से बैठो, मैं वहाँ सब ठीक कर रहा हूँ। अच्छा। फातिमा है ना, वो जरा उल्टी सीधी बातें कर रही थी तो मैंने उसके इकलौते बेटे को उठा के चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब अच्छा, जिंदगी भर पागलों की तरह भटकती रहेगी। सुनिए, अब तो हमें भी शहर में रहने दीजिए। अरे जब शहर आ गया है तो शहर का लिबास भी तो पहन। आज ऐसा देश वैसा भेष तो करना ही पड़ेगा। ये बलायती है क्या? ये भी बलायती है। ये भी बला, कल ही जहाज से उतारी है क्या सरकार? एक ऐसा 77 हमको भी दिला दीजिए ना। जग उस्ताद की जगह हट। बुद्धू मालूम पड़ता है, गांव से आए क्या? हाँ, मैं आज ही गांव से आया हूँ। अबे तो फिर रोता क्यों है? बाप मर गए या माँ? दोनों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। यानी कि यतीम है? अरे फिर तो अपना ही भाई है, यहाँ सब यतीम छोकरा लोग ही रहते हैं। आ बैठ बैठ। भूखा है क्या? क्या हुआ? हाँ? हाँ, मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया। अबे तले मुर्गी खा, मुर्गी नसीब वाला मालूम पड़ता है। क्यों जग्गू उस्ताद मुर्गी उड़ा रहे हो? अरे आज एक बकरा काटा है, 10 रुपया मारा है। तुम्हें क्या हुआ? मैं हराम का नहीं खाता। अबे हराम हलाल के चक्कर में पड़ेगा तो भूखा ही मर जाएगा। ले खा ले। नहीं सरकार, गाड़ी रोकिए, रोकिए गाड़ी। क्या हुआ? वही यतीम है जिसने फातिमा का बच्चा चुराते मुझे देख लिया था। ये लड़का मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कौन सा? वही जिसकी निशान है यहाँ। मच्छर है, मसल दिया जाएगा। हबीब। यस बॉस। अबे कुत्ते के पिल्ले! चाकू मार दिया? नहीं मैंने नहीं मारा। नहीं तेरे बाप ने मारा है। अबे चोरी करते करते फोन भी करने लगा, बड़ा होकर चाकू बनेगा। चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन। नहीं मैंने नहीं मारा। नहीं चलो, चलो मैंने नहीं मारा। कौन अटका? अरे बाबा जी रोते क्यों हो? तू बताओ टिकरा। हाँ। मारो जिगर नो टुकरो। हाँ। मारो आँख नो नूर। हाँ। पुलिस ने अंदर चक्की पीसवा ले जावाना छे। अरे बाबा जी चक्की पीस के उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। अरे पर मारी सेहत का सत्यानाश हो जाएगा ना। आपकी सेहत का सत्यानाश हो जाएगा? मेरा दिल बहुत मंदुक हो रहा है। दुख दबाओ, लेप लगाइए। वो तो लगाऊंगा, मगर ये तो बता, तुम ये हार फूल अंदर लेके जा रहा है ना, वो किसके लिए? मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी आँखों का नूर, चक्की पीस कर जेल से बाहर आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे सुवखत, एक तरफ दुख चे तो एक तरफ सुख चे।
बाबा जी, जी। जहाँ बचती है शहनाई वहाँ मातम भी हो रही है। ये गाड़ी किसकी आई? अरे भाई देखने दो, आपने कितना डेंजर साधी है। कौन हो तुम? लगता है याददाश्त खो बैठा है। पागलखाने तो नहीं गया था, जेल खाने गया था। कैसे ना भूल जाए, देर जो हो गई। अरे नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, कहां कहां नहीं ढूंढा। कौन सा जेल है जो छान नहीं मारा। मगर क्या मालूम था कि बगल में लौंडा है और शहर में ढंडोरा पीट रहा हूँ। अरे मेरे यार, मुझे पहचाना नहीं, मैं जग्गू हूँ। अरे जग्गू उस्ताद? उस्ताद? अरे उस्ताद अब मैं कहाँ हूँ, उस्ताद तो तुम हो। क्योंकि जेल को काट कर आए हो, और जो जेल काट कर आता है, छोटा मोटा उस्ताद हो तो महान उस्ताद बन जाता है। ये तो ठीक है, मगर ये बताओ कि अब तुम क्या बनोगे। मैं तो टुच्चे पुच्चे काम करता घूम रहा हूँ। अगर साथ दे दो तो पांचों उंगलियां घी में और सर कलाई में हो जाएगा। यस, शिव सिंह बोल रहा हूँ। क्या कहा? डाकू बादल सिंह जल से भाग गया? क्या कहते हो? ओह माय गॉड, एक जरूरी ऐलान सुनिए। डाकू बादल सिंह जेल से फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरे 50,000 रुपए का इनाम है। 50,000 रुपए इनाम? 50,000 रुपए इनाम? आए नवाब साहब, इधर आइए। क्या है? ये आपने झाड़ू समा दिए। झाड़ू? मैं चाह डाकू बादल सिंह को पकड़ने। 50,000 रुपए इनाम। अरे डाकू बादल सिंह खतरनाक डाकू है, आपकी छुट्टी का ठेका। अरे मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, गामा पहलवान का पट्टा हूँ। ऐसा ही धोबी पाट मारूंगा तो चारे खाने चीत, समझे? 50,000 रुपए कमाऊंगा, इससे बढ़िया दुकान लगाऊंगा। इसमें तुम नौकर होगे और मैं मालिक, समझे? मैं जा रहा हूँ, 50,000 रुपया। कौन है भाई? तुमको दिखता नहीं हम कौन है? अरे इतना सा कैसे देखेगा भाई? बराबर है, अभी तुमको मालूम पड़ेगा हम कौन है। पहले हमारा हजामत बनाओ, फिर दुकान बंद करके चले जाना। हजामत? 12 बजे के बाद ना हजामत होती है ना बाल कटते हैं। बाहर जाओ, बाहर जाओ। ज्यादा गड़बड़ करेगा और हमारा हजामत नहीं बनाएगा तो तुम दोनों का सर है ना, वो तुम्हारे पेट के अंदर घुस जाएगा। उठाओ यार, उठाओ, नीचे उतारो, नीचे उतारो। देखो अभी हम जिस आदमी को बुलाएंगा उसका ठोबरा देखेगा तो तुम खुद में खुद बनाएगा। ये ऐसा है क्या? ऐसा ही है, देखो। हाँ बोला बोला बोला। देख लिया? देख लिया, पहचान मिल गया। क्या बात है मंगल सिंह? कुछ नहीं उस्ताद, तुम्हारे मुतालिक बता रहा था। चलो उस्ताद की दाढ़ी बनाओ। मैं बनाता हूँ, आइए। नहीं नहीं, मैं मालिक हूँ, मैं बनाऊंगा। मैं बनाता, आइए। मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। ये आपके पास था? ये मेरे पास था और ये चलता भी है। चला के बताओ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। क्या खिदमत करूँ आपको? उस्ताद की दाढ़ी बनाओ, दाढ़ी बनाओ, दाढ़ी बनाओ, दाढ़ी बनाओ, दाढ़ी बनाओ, जल्दी दाढ़ी। नमस्ते।
आपकी ऐसी दाढ़ी बनाऊंगा आप याद रखेंगे। उस तरह भी ऐसे ही चलेगा क्या? नहीं। दरा हो क्या? और मेरी दाढ़ी तुम्हारा बाप बनाएगा? मैं बनाऊंगा, दाढ़ी बनाऊंगा, बाल काटूंगा, जो कुछ करना मैं ही करूंगा। हे, हेलो। मामू, मामू। आदावर जी, कौन हो तुम लोग? लखनऊ के शाही हजाम है, अभी अभी दुकान बढ़ाकर आ रहे हैं। फरमाइए, आपकी हजामत कर दूं? जी हम पुलिस वालों की हजामत तो आधी रात को भी कर सकते हैं। सही बात। आप हुजूर हमको खिदमत का मौका तो दीजिए। शट अप। तुम लोगों को मालूम नहीं डाकू बादल सिंह जेल से भाग गए? अरे कौन? किधर है बादल? जल्दी चलिए। हां भाई। Thank you.
तेरे नाम से उसका नाम जुलेगा हो जाए सारे काम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम प्यार में जीना प्यार में मरना प्यार से लेना है उसका नाम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हम खानदानी राजपूत हैं और हमारे दरवाजे पर आज भी हाथी झूलते हैं। गलत, सरासर गलत। खानदानी राजपूत, अरे तुम्हारी तो मत समझ गया ना, काहे का खानदानी राजपूत, अजी आप तो खानदानी चोर हैं, चोर कबला, और आपके घर पे हाथी झूलते, काहे का हाथी झूलते, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते क्या कुत्ते। कुर्सी हम पे गिरी, हम कुर्सी पे गिरे, दोनों एक दूसरे पे सार। हमारे इलाके में ये बेइज्जती कानून की, बाहर निकाल। यस सर। बाहर निकाल। यस सर। बाहर निकाल। चोरी को कहते हैं बिहार की राजधानी पटना का धोबिया पाट, समझ गए गैंडा सिंह। এইটা হচ্ছে কলকাতার কাঁচি, কলকাতা কা কাঁচি বলতা হ্যায় ইসকো, হ্যায় ইয়ে হোটেল হ্যায় শরীফ হোটেল হ্যায়।
गिरफ्तार कर लो सब बदमाशों को। पानी हम पानी पर भी चलते हैं मगर आज वाटर हाँ, आज कुर्सी को चलाएंगे। वो चलती किधर है? मैं इधर जाता हूँ। अरे पानी है, पानी है। मैं कौन हूँ? पुलिस। ये क्या है? डंडा। दादा गड़बड़ थी तो डंडा। समझ गया वाल्डर साहब। वाल्डर साहब मेरा ब्रीफ केस। सकाराम ब्रीफ केस आओ। सकाराम अब कड़ी डाल दो। अपने आप को दारा सिंह समझता है लम्बू। चलो चलो पुलिस स्टेशन बताएगा उधर। चलो कार्बेटर में कचरा फसला साहब। क्या तो निकाल। ए, तुम किधर निकल गया? तुम किधर निकल गया? मार मार के फुरकस निकाल देगा समझा? हम तो ये पूछता था साहब कि आप हम लोग को लेकर किधर जाता है? तुम्हारा ससुराल जाता है समझा? मगर एक बात बताओ साहब, हमें अंदर ले जाकर आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हम है कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बन जाएगा समझा? अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो हवलदार साहब। ये लो, क्या है? चाय पानी। चाय पानी हम रोज पीता है समझा? तो फिर ये लो। अब ये क्या है? दाल रोटी। दाल रोटी हम रोज खाता है समझा? तो फिर ये लो तंदूरी मुर्गा। तंदूरी मुर्गा खिलाकर हमारा ईमान खराब करना चाहता है। रख सके समझा? साहब तंदूरी बकरा। बकरा समझा? बकरा बकरा सौ सौ का। अरे बकरा 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 सौ सौ का। हाय हाय, तुम दोनों में से गाड़ी बनाना कौन जानता है? हमको तो सिर्फ हवाई जहाज बनाना। हम कैंसिल। साहब हमको बनाना आता है। हाँ। जल्दी से हथकड़ी खोल समझा? हथकड़ी खोल। अरे मुझको बोल। बोलता है इधर आ बकरा समझा? बकरा पुलिस है 420। इकसठ बासठ की औलाद। एक काम कर। ये रख जीप का भाड़ा। समझा। ये रख मगन लाल ड्रेस वाले का भाड़ा। समझा? समझा। और नकली पुलिस तुम लोगों ने बहुत काम किया है, शाबाश। ये पकड़ो तुम निकल जाओ। जय हो श्री 420। जय हो। अच्छा भैया, और ये रहा मेरे डॉक्टर का बिल जो इतनी मार खाई ना हमने फाइट में। इतना मोटा डॉक्टर भी मेरा बहुत मोटा है तो जानते। अच्छा फिर हम तुमसे बहुत खुश हुए। हाँ, इसलिए सोचता हूँ कि तुम्हें बाकी का सारा हिस्सा दे दूँ। तो ये पकड़ चार नोट। समझा? 40 रुपए नकली हवलदार बनने के लिए 40 रुपए, वो भी मूछ लगा के बना। अबे ओए 40 नहीं तो क्या 400 दूँ? 400 रुपए में तो इंस्पेक्टर का रोल करने वाला मिल जाता है समझा? अरे गुरु 420 के लिए कम से कम 400 रुपए तो दो। ले 100 रुपए और खुश हो जा। बस गुरु हमने तुम्हें चील बनाया और हमी को चोंच मारी। ले चोंच बंद करने के 10 रुपए और। अब समझा मेरे को मूछ लगा दी यकी। डंडा इतना बड़ा? ओ हवलदार साहब, हवलदार तो मैं भी हूँ। हवलदार तुम इधर ड्यूटी पर कैसे आए? कैसे तुम आया है? इतने हैं कि बटवा भर सकता है। थैंक यू। रिश्वत देता है? तुम रिश्वत लेता है? ले पकड़। अरे पकड़ा दिया। चलो साहब ने तेरे को बुलाया है। अरे पकड़ा दिया रे। अब तो यकीन आया आपको मेरी बात का सरकार? खामोश। ये इसका पार्टनर है। साहब नहीं मैं हवलदार हूँ। अब तुम बताओ ये बैग किसका छीन कर तुम लोग भाग रहे थे?
मैं बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, मैं वही बताऊंगा जो तुमने बताया होगा। तुमने क्या बताया? भाई मैंने नहीं ये बताया इंस्पेक्टर साहब को कि एक बदमाश गुंडा रास्ते में किसी शरीफ आदमी का बैग चुनकर भाग रहा था। दगाग, 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 दगाग। आओ जी वही गल है, वही गल है। और हवलदार साहब ने उसका बैग छीना और मैंने हवलदार की मदद की। ओ साहब ये बहुत बहादुर आदमी है, अगर आप मुझको तगमा देंगे तो एक तगमा इसको भी मिलेगा। तगमा जरूर मिलेगा। कौन से चौकी के हो तुम? शैतान चौकी का हूँ। तभी तो तुम्हारे माथे पर मुंह चुकी है। ये तो बचपन की उगी हुई है, आज तक किसी से एक बाल नहीं उखड़ा था, आपने मुंह की मुंह उखाड़ ली। गनीमत समझो सर के बाल नहीं उखड़े हैं। हवलदार माल उठा और इन दोनों को छोड़ दो। छोड़ दो, बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं। भागते भूत की लंगोटी सुनी थी लेकिन मोटे हवलदार का बटवा गनीमत है। मैं ट्रैवलिंग एजेंसी। तुम्हारे यहाँ से बियर पीने का मजा ही कुछ और है। अगर साथ में तुम्हारे होठों की सुर्खी शामिल हो जाए तो बियर भी शैंपेन बन जाती है। छोटे काका आज तो बहुत मूड में है। अरे धर्मदास 10 लाख रुपए का हाथ मारा है, सोना ही सोना है, और ऊपर से फिर सोने पे सुहागा भी तो है। छोटे सरकार आपकी किस्मत तो सोने के पाने से लिखी हुई है। छोटे सरकार बड़ी सरकार आ रहे हैं। जवानी की फाइल बंद करो, ऑफिस की फाइल खोलो, खोलो। I'm so sorry. ये कौन थी? अंकल ये मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी। आजकल प्राइवेट सेक्रेटरी बिजनेस के लिए कम और अपने लिए ज्यादा रखी जाती हैं। मैंने सुना है तुमने इस ऑफिस को याशी का अड्डा बना रखा है। अकाउंट्स का कोई ठिकाना नहीं, बिजनेस दिन ब दिन डाउन हो रहा है। अंकल बिजनेस में अप एंड डाउन होता ही है। शट अप, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। मैं सब जानता हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे आते ही अकाउंट नहीं मिले तो एक अंजाम अच्छा नहीं होगा। इडियट। आजकल सेठ जी का पारा इतना क्यों चढ़ा रहता है? ये सब उस नए अकाउंटेंट असलम की शरारत है, वही साला भड़का रहा है ने। तो फिर उसकी छुट्टी कर दीजिए ना। क्यों ना अंकल की छुट्टी कर दी जाए धर्मदास, सारी दौलत पर सांप बंद कर बैठा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, भला सोचिए, आपके सिवा उनका है कौन? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लाई लाई मुझे दीजिए। माजी आप? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। आप जब मैं बहुत छोटा था आप हमारे गांव आई थी, आपने रूपा को गोद लिया था और मैं उसे रोकना चाह रहा था, याद आया आपको? अच्छा तो तुम वही यतीम हो। हाँ माजी, गरीबी का दाग तो मैंने किसी न किसी तरह से धो दिया, लेकिन लगता है यह यतीमी का दाग शायद जिंदगी भर मेरे माथे से चिपका रहेगा। शायद तुम बुरा मान गए। जी नहीं माजी, मैं तो सिर्फ रूपा के बारे में जानना चाह रहा था, कहाँ है वो? अब वो भी बड़ी हो गई होगी, मैं एक बार उसे मिलना चाहता हूँ। तो तुम उसे अभी तक नहीं भूले? बचपन के साथी को कैसे भूल सकता हूँ माजी, और मुझे यकीन है वो भी मुझे बहुत याद करती होगी। अरे बेटा जब वो हमें भूल गई तो तुम्हें क्या याद करेगी? 2 साल हुए हमने उसकी शादी कर दी। शादी? हाँ, वो अमेरिका चली गई अपने पति के साथ, बहुत सुखी है, महारानियों की तरह रहती है। चलो ड्राइवर। मोहतरमा, ये बंदा बाइज्जत तरीके से आदाब अर्ज करता है और ये पूछना अपना फर्ज समझता है कि मैंने आपको कहाँ देखा था। क्या आप मेरे दवाखाने में तशरीफ लाए थे क्या? दवाखाना? जी हाँ, आप मुझे नहीं जानती, मैं मशहूर जमाना हकीम अब्दुल करीम आसमानी सुलेमानी और घुमाडाल हूँ। घुमाडाल? What do you mean घुमाडाल? आप घुमाडाल का मतलब नहीं समझती? इस जुमले के 2 टुकड़े कर लीजिए, मतलब समझ में आ जाएगा। मेरी समझ में भी आ गया कि मैंने आपको कहाँ देखा था। आपको मैंने स्विमिंग पूल में देखा था। ओह,
उस वक्त आप पुलिस यूनिफॉर्म में थे और ड्यूटी पर थे। तरह की खिदमत चाहे बंदा करने के लिए तैयार है। शट अप। शट अप। लगता है इस गेटअप की शुरुआत ही मनहूस हुई है। आजकल हकीमों का धंधा मंदा चल रहा है, है कोई बकरा? सूरज, ए सूरज, ए सूरज, सूरज डूब क्या है? अरे यार इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? अरे सब ठीक हो जाएगा, जो हुआ उसे भूल जा। कैसे भूल जाओ जक्कू, एक जख्म हो तो भूल भी जाओ, यहां तो मेरी सारी जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है। पैदा होते ही माँ बाप चल बसे, एक माँ मिली उसने मुझे अपने बेटे का दुश्मन समझ लिया। अरे कांटों ही में फूल खिला करते हैं प्यारे, डूबते सूरज के साथ डूबने से क्या फायदा है? अरे चमकते हुए सितारों की तरफ देख, मैं तुझे बताता हूँ कि जिंदगी क्या है। आजा आजा। अरे उस्ताद भूल जाओ अंधेरों को, रोशनी की बात करो। अरे ये चांदनी बाई का कोठा है, चांदनी बाई देखो कौन आया है, आदाब करो। आए हाय क्या आदाब बजाया है, आदाब कर रही है। अरे खुशनसीब हो तुम, ये कभी किसी के कोठे पे नहीं गए बल्कि लोग इनके कोठे पे गए हैं, आई मीन के इनकी कोठी पे गए हैं। उस्ताद आ जाओ खुशियों में आ जाओ। चांदनी बाई, जानती हो ये यहाँ क्यों है? ये जिससे प्यार करते थे वो बेवफा इनका दिल तोड़ के दूर, बहुत दूर चली गई। तशरीफ रखिए उस्ताद, बैठो, तुम यहाँ तशरीफ रखो, मैं वहां सरोता कहाँ भूलिया के पास बैठता हूँ। कौन थी वो बेवफा? आज की रात है नजरों में कयामत का समा, कल सुबह आएगी बर्बादी का पैगाम लिए। जाइए आप। वो सुबह कभी नहीं आएगी। उस रात की सुबह ना
झूम के नाच रही है। अरे चल यहाँ से, तू है तेरे, चल 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 कमीनी, चल। दूसरों के सामने नाचते गाते मौत आती है, और आज क्या खुल के नाची गई है। पहचान लिया ना अपने यार को? हाँ मुन्नी भाई, वही मेरा सूरज था, जिसकी याद में तड़प तड़प कर मैंने जिंदगी के एक एक पल गुजारे, और आज तकदीर उसे मेरे पास ले आई। तुमने दो बातें भी ना करने दी। भूल जा सूरज को, अब तू उसे कभी नहीं पा सकती। ये तो खैर अच्छा हुआ उसने तुझे पहचाना नहीं, नहीं तो तेरे मुंह पर थूक के चला जाता। ऐसा ना कहो, अगर वो मुझे पहचान लेता तो अपनी जान पर खेलकर मुझे इस नर्क से निकाल लेता। ये ना भूल चांदनी कि तू एक तवायफ बन चुकी है, और ये कोठा ही तेरी जिंदगी है। इस कोठे के बाहर कहीं भी जाएगी तो कुत्ते की तरह धुतकारी जाएगी, और सब लोग तेरे साए से भी नफरत करने लगेंगे। सारी दुनिया मुझसे नफरत करेगी, लेकिन मेरा सूरज नहीं। वो जानता है मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, सब कुछ उसी का है। अरे, और मैंने जो थैली भर रुपए देके तुझे धर्मदास से खरीदा था, वो सब धर्म खाते में चले गए हैं क्या? देखो महारानी जी, जब तक तुम्हारे बदन की सारी चांदी निचोड़कर एक एक के सौ सौ नहीं वसूल कर लूंगी, तुम इस कोठे से नीचे कदम नहीं उतार सकती। और अब सूरज के सपने देखने भूल जाओ। अरे गुरु, ये कैसा रास्ता है? न घोड़ा है, न गाड़ी है, न सवारी है, यहाँ पैदल ही जा। माफ करना भाई। माफ कर दिया। अरे गुरु, ये तो वो ही पुलिस ऑफिसर है जिसने हमारे सूट केस को बटवा बना दिया था। होगा यार। अरे होगा क्या गुरु, इसने हमारा मुंह काला किया था, आज इसका मुंह काला करना है। गुरु, देवदास के मुठ से वापस आओ, बटन दबाओ, शाकाल बन जाओ। बहुत चाल आया है, तबेले में घुस गया है, फोड़ डालूंगा तेरी तो। अबे उस दिन चकमा दे गया था, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा, अस्तबल में छुपा है। अबे किसी घोड़े के पीछे लग गया तो लत्ती खाएगा। क्यों पुलिस मियां, पुलिस वाले होकर पुलिस से ही भाग रहे हो? और फिर ये बोझा कब तक उठाए फिरोगे? लाओ ये बैग मेरे हवाले कर दो। जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। वाह गुरु वाह, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो शराफत से बैग मेरे हवाले कर दो। बैग चाहिए? मेरा नाम बादल है,
जब मैं बरसता हूं तो लोग पनाह मांगते हैं। वाह भाई वाह, क्या फौलादी मुक्का है। मगर आपको शायद ये नहीं मालूम नन्हे मियां कि मेरा भी उस्तादी मुक्का है। नमूना पेश खिदमत है और मेरा नाम सूरज है सूरज। तो जैसे बादलों को पिघला के रख देता हूं मैं, समझा लल्लू? हाँ, आज देख ही लेते हैं कौन किसको पिघलाता है। खैरियत चाहता है तो माल की परवाह किए बगैर फौरन निकल जा पतली गली से, पुलिस पीछे पड़ी हुई है। फिर मिलूंगा सूरज। भाग गया साला। क्यों गुरु, कैसी रही? इसको कहते हैं नहले पर देला। साला उस दिन का बदला पूरा हो गया, अब चाहो तो आ जाओ वापस देवदास के मूड में। अबे ये फिर से पुलिस का सायरन की आवाज क्यों निकाल रहा है? गुरु, लगता है आपके असली पुलिस आ गई है। कौन हो तुम? मैं डाकू बादल सिंह। पुलिस मेरे पीछे लगी है, अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो इस बच्चे को गोली मार दूंगा। छोड़ दो मेरे बच्चे को। तुम लोग वहां जाओ, तुम लोग वहां जाओ, तुम मेरे साथ आओ। इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ, आपके घर में डाकू बादल सिंह आए। इंस्पेक्टर साहब, हम गरीबों के घर में डाकू का क्या काम? मैं आपके घर की तलाशी लूंगा। बेशक, चलिए। हवलदार तुम आ जाओ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर असलम। असलम साहब, इधर तो कोई नहीं। ठीक है, चलो मेरे साथ। मम्मी। तुम तो एक मामूली इंसान हो,
डाकू बादल सिंह के सामने बड़े बड़े सुरमाओं के दिल दहल जाते हैं। अगर तुम पुलिस के सामने जुबान खोलते तो हम तुम्हें जान से मार डालते। जान बचाने वाले को जान लेने का पूरा हक है बादल सिंह। क्या मतलब? लगता है आप सब कुछ भूल गए हैं। आज से 7 साल पहले खबरदार, अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। चुपचाप बैठ जाओ, कोई चलाकी दिखाने की कोशिश ना करे वरना भून दिया जाएगा। ये जेवरात, रुपए, पैसे सब हमारे हवाले कर दो। जो भी माल है ये माल रामजादे, तेरी इतनी हिम्मत, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तू चल, छोड़ दूं, तेरी सुहागरात तो आज मेरे साथ मनेगी। बचाओ, छोड़ो, नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर मेहरबानी करो, रहम करो। डाकू की किताब में रहम जैसा कोई लफ्ज नहीं। अगर रहम करना होता तो यहाँ पे क्यों लाता? चिल्लाओ, आज कोई नहीं छुड़ा सकता। जलील, तुझे पता नहीं किसी औरत के इज्जत पर हाथ डालना हमारे उसूल के खिलाफ है। तूने हमारा उसूल तोड़ा है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत बचाई। आप इंसान नहीं, फरिश्ता है। इस अपमान के लिए हमें माफ कर देना बहन। आपने मुझे बहन कहा? हाँ, मैं डाकू जरूर हूं लेकिन मेरे सीने में भी एक भाई का दिल है। गांव के जमींदार ने उसकी इज्जत तोड़ कर मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर किया। तब से यह बंदूक किसी ऐसे जलील इंसान को नहीं छोड़ती जो किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटना चाहता है। मंगल सिंह, भून डालो इसको। ये वही नोट है जो आपने मुझे दिया था। मैंने इसे आज तक संभाल के रखा है। मैं भी कितना पागल हूं, जिस घर को मैंने बसाया था उसी को उजाड़ने चला आया। मुझे माफ कर देना बहन। आओ बेटे। आप मुझे मारेंगे? नहीं बेटे, मारेंगे नहीं, प्यार करेंगे। जाओ आओ। शाबाश, क्या नाम है तुम्हारा? यास्मीन। यास्मीन, बहुत ही खूबसूरत नाम है। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया ना, अब हम तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। इस खिलौने की आप क्या कीमत देंगे? मुन्नी भाई, हम तो खिलौने से खेलने के बाद ही उसकी कीमत का फैसला किया करते। किबला नवाब साहब, शायद आप भूल गए कि तवायफ का कोठा है। यहाँ का हर माल नगद दाम देकर ही खरीदा जाता है। आप दाम लगाइए, शहर में बहुत सारे खरीदार मौजूद हैं। अरे मुन्नी भाई, हमसे अच्छा खरीदार तुम्हें और कौन मिलेगा? हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। सदके जाऊं नवाब साहब, सदके जाऊं। मेरे बचपन के साथी, मेरे ख्वाबों के देवता सूरज, तुम बरसों के बाद मेरी अंधेरी दुनिया में उजाला बनकर आए, लेकिन अपनी बिछड़ी हुई रूपा को पहचान नहीं सके। काश तुमने मुझे पहचान लिया होता। चांदनी कोई और नहीं, तुम्हारे बचपन की साथी रूपा है सूरज। और आज मुन्नी भाई, मैं
अरे मैंने कहा मुबारक हो, शहर का सबसे बड़ा रईस नवाब हैदर अली तेरी नथ उतारने आ रहा है। अरे सारी कोठे वालियां तेरी किस्मत पर रश कर रही हैं। मुन्नी बाई मेरी जान ले लीजिए, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, परमात्मा के लिए मेरी इज्जत का सौदा ना कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे तेरी इज्जत का सौदा तो हो चुका है चांदनी, नवाब साहब ने पूरे 50,000 दिए हैं और अभी न जाने कितने लाख और देंगे। अरे पगली सोने से पीली कर दूंगी पीली, जा जा के तैयार हो जा, जा। ऐसा ना कहिए, मैं अपनी जान दे दूंगी पर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। अरे चांदनी कहाँ जा रही है, अरे कहाँ भाग रही है, अरे पत्थर सिंह, शंकर, राम मोहन, गुलाम खान, जल्दी आओ जल्दी आओ, वो देखो भागी जा रही है, चांदनी पकड़ो उस कुतिया को, भागो जल्दी, अरे जल्दी। कमारे जॉनी वॉकर की बोतल में टॉनी वॉकर चलेगा, मेरे राजा पीले पीले, रियल पुलिस की गाड़ी है समारे। मैं पैदल क्यों चल रहा हूँ, अरे ये सब गाड़ियां तो मेरे लिए है, मास्टर की मेरे पास है, है? गाड़ी ने साड़ी पहनी हुई है, कमाले यक्षे को नहीं, साड़ी ने गाड़ी पहनी हुई है। अरे चांदनी बाई तुम मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। अरे गुंडों को मैं टुंडा बना दूंगा, छील के रख दूंगा, मेरे पास चाकू है। आप अकेले हैं, वो कई हैं। अरे मैं अकेला, तुम अकेली और सहेली, हम तुम एक गाड़ी में बंद हो और चाबी खो, ड्राइवर गाड़ी चलाओ, तुम इधर आओ ना। चलिए चलिए, इतने सारे ड्राइवर, अबे ड्राइवर के बच्चे, फोर व्हीलर है, चार ड्राइवर, ड्राइवर तुम लोग इसको ले जाओ, इसको मैं अकेला ही काफी हूँ। सब उसे ले जाओ, तुम मेरे लिए अकेले काफी हो। ये कौन सा पोज है, लगता है रामपुर के लक्ष्मण हो, अरे हंटर, अरे मैं भी बनारस का बांका बिन्नौर बास हूँ, अरे फिर हंटर, भरोसरी का नाम सुना है, याफू, फिर हंटर, मोहम्मद अली किले का नाम सुना है, पत्थर पत्थर है, पत्थर है, समझ गया, अब मेरी बारी है, अरे गाड़ी है, ये क्या है, मेरे ख्वाबों के देवता सूरज, तुम्हारी रूपा, मुन्नी भाई, शिनाल, कमीनी, कुतिया, यार को मिलने गई थी, मेरे पास आते ही दौलत को ठुकरा रही थी, अब मैं तेरी मिठाई बांट के ही रहूंगी, ताकि सिवा कोठे के और कहीं की नहीं रह जाए। नहीं। चंपा गुलाबो ले जाओ इसको, तैयार करो, पत्थर सिंह कड़ी निगाह रखना, इस पर भागने नहीं पाए, जो हुकुम मालकी, हराम सादी। Oh!
चिड़िया तो चूचे भी मार। हाय नवाब साहब, आप भी कैसे शिकारी हैं? एक चिड़िया की चूच नहीं बंद कर सकते? अरे तुम इस चिड़िया की और इसकी चूच की बात करती हो, तुम कहो तो हम इसके पर भी कटेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, चलिए यहाँ से, छोड़ दो मुझको, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। Thank you.
सत्यानाश हो? अरे पत्थर सिंह, तुझे इसी दिन के लिए असली घी खिलाया था क्या? लोग पत्थर कहते हैं। मैं तो जैसे कितने पत्थरों को रेत बना चुका हूं। अभी नहीं। तो कब? शादी के बाद। क्या देख रही हो? बचपन का प्यार।
निखारिए, उस पे निखारिए, कर गए हैं जादू हो, देख के शबाब को खिलते गुलाब को, दिल पे नहीं काबू, हुस्न तेरा तौबा तौबा, कैसे सबर होगा जलवे तेरे बेशुमार, ओ दिल में समा जा एक बार। बंद रख। कितना टाइम लोगे? बस यही करीब 40-50 साल और। अरे गुरु, ये तो बहुत लंबी यात्रा पे निकल गए हो, कुछ छोटी कर लो। मेरा मतलब है कि 4-5 साल रुक जा। अरे ये आसन भी बहुत लंबा है, कुछ छोटा करो। अब 2-2.5 साल पे मारवाली करते है? दो ढाई साल में तो 2-2.5 बच्चों का बाप बन जाएगा तू। मांडवाली करूंगा मैं शादी पर, देख मैं मुहूर्त भी निकलवा के आया हूँ। हाँ बोल। अबे तो फिर खोल दे आंखें। तो फिर हाँ बोल दे, मैं पूरा प्रोग्राम तय करके आया हूँ। बारात यहाँ से जाएगी, दुल्हन मेरे घर से आएगी। अबे एक बात बता, कन्यादान कौन करेगा, तेरा बाप? अरे यहीं से बिगड़ गया नाप। अरे रानी मौसी बनेगी दुल्हन की माँ, और मैं बनूंगा दूल्हा का बाप। खामोश साला तू बना। अरे उस्ताद मैं मर गया तो रसम पूरी कौन करेगा, और रसम पूरी नहीं हुई तो शादी कैसे होगी? शादी होगी, शहनाई बजेगी, बच्चे होंगे। हेलो, क्या कर रही हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो, कितनी देर लगा दी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे घबराओ नहीं, मुझे शॉपिंग सेंटर में जरा देर हो गई है, कुछ सामान खरीदना और बाकी है, जल्दी ही आ जाऊंगा। जल्दी आओ। इतनी घंटी कौन बजा रहा है? दरवाजा खोल दो, वरना सूरज जो तुम्हारे लिए सुहाग का जोड़ा लेने गया है, अपना कफन लेकर वापस आएगा।
मुझे ये फूल चाहिए और मुझे ये फूल चाहिए। मेरी चोली पे चमेली के फूल रसिया, मेरी चोली पे चमेली के फूल रसिया, फूल इसको दूं या उसको दूं, सब मांगते हैं बोल फूल किस किस को दूं। मेरी चोली पे चमेली के फूल रसिया, मेरी चोली पे।
माँ जी। केस काफी सीरियस है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब किसी भी कीमत पर नहीं बचा लीजिए, यह मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। डॉक्टर साहब किसी भी कीमत पर नहीं बचा लीजिए। आप घबराइए नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी और बड़े डॉक्टर की जरूरत पड़े तो उन्हें भी बुला लीजिए, मैं बड़ी से बड़ी फीस देने को तैयार हूँ डॉक्टर साहब। हाँ आप फिक्र मत कीजिए और हिम्मत से काम लीजिए, अगर जरूरत हुई तो हम खुद बुला लेंगे। नर्स तुम इनका ध्यान रखना, अगर कोई डिफिकल्टी हुई तो मुझे बुला लेना। कितने बदनसीब हैं हम दोनों, बचपन में माँ बाप का साया सर से उठ गया, जिंदगी भर एक दूसरे के लिए तड़पते रहे और आज जब हजारों अरमान लिए शादी करने निकले तो आफत आ गई। घबरा नहीं रूपा, घबरा नहीं, माँ जी जल्दी अच्छी हो जाएंगी। इन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी जान बचाई है, परमात्मा इनकी जान जरूर बचाएगा। और देखो अगर आज हमारी शादी हो गई होती तो हमें आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं होता, अब माँ का आशीर्वाद हमें मिलेगा। क्या पता ये हमें आशीर्वाद देंगी या श्राप। क्यों? ये तो तुम्हें अपने बच्चे का दुश्मन समझती हैं। मैं जरा खिलौने लेके आता हूँ। ठीक है उस्ताद। अरे तुम वहाँ। वही वही मैं आपको आपकी हेल्प करने आया था। अच्छा अच्छा। अरे लेकिन उस दिन तो तुम किसी और ड्रेस में थे। अरे मैडम तुम्हारी हेल्थ क्लब में ड्रेस पहनकर आता ही कौन है, और वैसे भी मैं हमेशा बगैर ड्रेस के रहता हूँ। मैडम एक बात बताओ, तुम्हारी हेल्थ क्लब में मालिश बड़ी जोरदार होती है, मेरे को भरपूर नींद आती है। वैसे मालिश करना मैं भी बहुत अच्छी तरीके से अच्छा? जानता हूँ, एक मौका दो तो मैं भी रगड़ रगड़ के। अरे तुम 2.5 फुट का आदमी, तुम क्या हमारी मालिश करेगा। ए मैडम तुमने हमारा अभी साइज नहीं देखा है, आई एम 2.5 फुट अप 2.5 फुट डाउन, हम जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के नीचे। कमान अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया, एक लंबी को छोटा मिल गया। कितने का है? 20 रुपए। 20 रुपए। अच्छा पैक कर दे। अरे मुद्दत हुई है यार का दीदार किए हुए। ए मिस्टर मैं तुम्हारे दीदार के लिए आया हूँ। तो कर लीजिए ना दीदार, मुझे बड़ी खुशी होगी। लगता है पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। मुझे? हाँ। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं, मैंने आपको देखा था एक दिन लड़की को ले जाते हुए पकड़ के। और शट अप। सोचता हूँ तुम्हें पहले कहाँ देखा है। आप सोचते रहिए मैं अभी आया। ठहरो। याद आया। क्या? मैंने तुम्हें डाकू बादल सिंह के साथ देखा है। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मैंने आज तक बिजली नहीं देखी तो बादल को कहाँ से देखूंगा। सच सच बताए डाकू बादल सिंह कहाँ है, वरना सारी जिंदगी तुझे जेल में सड़ा दूंगा। क्यों बच्चे के साथ मजाक कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब ये आपकी सीटी बजती है, जरा बजा के देखूं। हमें भी खिलाओ ना। नहीं हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। क्यों? हमारी मम्मी कहती है तुम्हारे घर में डाकू आते हैं। ये देखो तुम्हारा बॉल। आप? हाँ बेटे हमने कहा था ना हम तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने लाएंगे, ये देखो हम तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लाए हैं। क्यों? आपने मुझे मारने के लिए पिट्ठू लगाया था ना? वो तो हमने अपने आप को बचाने के लिए किया था, हम तुम्हारे अंकल हैं। नहीं आप हमारे अंकल नहीं है। सुनो तो आप मुझे अंकल भी नहीं कहेंगी? नहीं। मुझसे बात भी नहीं करेंगी? नहीं। मेरे खिलौने भी नहीं रखेंगी? नहीं।
अच्छा मेरी माँ, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको खुश करने के लिए मुझे करना क्या होगा? आपके पास जो पिस्तौल है वो फेंक दो। इसकी बात कर रही हूँ, ये तो मेरा दोस्त है। अगर ये आपका दोस्त है तो मैं खिलौना नहीं लूंगी। ठीक है बेटे, अगर तू कहती है तो इसे भी फेंक देता हूँ। खुश? अब तो खिलौने लोगी ना बेटी? शाबाश, ये देखो। तुम भाग जाओ। जल्दी चलिए, बच्ची को हॉस्पिटल ले चलिए, हॉस्पिटल ले चलिए बच्ची को। मेरी बच्ची को क्या हो गया? देखिए मिस्टर असलम, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन गिरने से जो चोट इसके सर पे लगी है वो खतरे का बायस बन सकती है। अगर आधे घंटे तक होश ना आया तो डॉक्टर साहब आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अंकल बच गए ना? पापा, 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 अंकल को कुछ नहीं बोलना, अंकल बेकसूर है। पापा, अंकल बच गए ना? अंकल को कुछ मत बोलो, अंकल बच गए ना? मेरे अंकल बेकसूर है। पापा, अंकल को कुछ मत बोलो, अंकल बेकसूर है। पापा, पापा, अंकल बच गए ना? अंकल को कुछ नहीं बोलो। मेरी बच्ची। उस्ताद, आपकी आंखों में आंसू? हाँ मंगल सिंह, कभी कभी पत्थर भी पिघल कर मोम हो जाता है। चलो। मैं जा रही हूँ मम्मी, टाटा। यास्मीन ये तो लेते जाओ, ये लो। क्या है मम्मी? खीर। मैंने मन्नत मानी थी कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम्हारे हाथों से गरीबों को खीर खिलाऊंगी। ये खीर किसी गरीब लाचार या जिसका दुनिया में कोई ना हो उसे अपने हाथों से खिला देना। ये ले। ढक के दो ना इसे। अब ऐसे ले जाना। मैं इसे नहीं लेके जाऊंगी। उफ़ो। यास्मीन, क्या हो गया, क्यों जिद कर रही हो? पापा आपका रुमाल दीजिए ना। रुमाल? ये लो। ये बात हुई ना? हाँ भैया सही बात है। बड़ी जिद्दी है, बड़ी जिद्दी है। ये ले जा। मम्मी टाटा। टोटो। अरे संभल के। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं पागल नहीं हूँ। रुक जाओ, क्यों मारते हो? चलो भागो यहाँ से। बड़ी माँ, तुम गरीब हो? तुम लाचार हो? तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मत रो, मेरे पापा कहते हैं जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। लो खीर खाओ। खीर? मेरी अम्मी ने मन्नत मानी थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं गरीब लोगों को खीर खिलाऊंगी। लो खाओ। हेलो कौन? बेटी,
चलिए ना। क्या लोग हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अकाउंट्स किस गधे ने तुमको अकाउंट्स की डिग्री दी है जी? ये अकाउंट्स तुमने तैयार किए? जी नहीं। तो फिर किसने किए? मैनेजर साहब ने। यू एंड योर ब्लडी बास्टर्ड मैनेजर। गेट आउट। कब जा रहे इधर आए तो? आई से गेट आउट। आई डोंट वांट टू सी योर फेस। चोर। टैक्सी टैक्सी। लिफ्ट लिफ्ट प्लीज। भाई साहब मुझे आप थोड़ा लिफ्ट देंगे? थैंक यू। जरूर बचाऊंगा। मुझे बचा लो टाइम क्या हुआ? 11 बज रहे हैं। 8 बजे निकला था 11 बज के। अजी जनाब बंबई की बारिश है, ट्रैफिक अक्सर जाम हो जाता है और ट्रैफिक के साथ साथ लगता है ये जीप भी जाम हो रही है। नहीं? सलाम मैनेजर साहब। बाहर पुलिस की वैन क्यों खड़ी है? साहब गजब हो क्या गया? हुआ? सेठ रतनलाल जी का खून हो गया। सेठ रतनलाल जी का खून हो गया? इतने नेक आदमी का, इतने भले आदमी का भला कौन खून कर? ये घड़ी लाश के पास मिली है, आप इस घड़ी को पहचानते हैं? शेर सिंह जी साहब। कल सेठ जी से मिलने के लिए कौन कौन आया था? साहब रात को अश्लम साहब आया था। और गए कितने बजे थे? साहब हम उसको आते हुए देखा, रात को बारिश बहुत था, जाते हुए देखा नहीं साहब। इंस्पेक्टर साहब ये घड़ी हमारे अकाउंटेंट असलम की है। असलम आप ही का नाम है जी? ये घड़ी आप ही की है जी? हाँ, लेकिन आपके पास कैसे? देखिए मिस्टर असलम, आपने अपने मालिक सेठ रतनलाल का खून किया है, हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट मौजूद है। हक्कड़ी जी साहब। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये किसी का खून नहीं कर सकते, ये बेगुनाह है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, ये किसी का खून नहीं कर सकते। आपको जो कहना है अदालत में कहिए। ये घड़ी देखिए मिलोर्ड, ये घड़ी मुलजिम असलम की है। गवाहों के बयान झूठे हो सकते हैं लेकिन ये बेजान घड़ी झूठ नहीं बोल सकती। इस घड़ी का लाश के पास पाया जाना इस बात का साफ सबूत है कि ये खून तुमने किया है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बता चुका है कि सेठ रतनलाल के पास जाने से पहले उसकी घड़ी चुरा ली गई थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये घड़ी उसी साजिश के लिए चुराई गई हो सकता है, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि घड़ी वाकई चुराई गई थी? मुलजिम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठ भी बोल सकता है। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक खून रात के 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे के दरमियान हुआ और गवाहों के बयानात के मुताबिक मुलजिम उस वक्त वहां मौजूद था। यह झूठ है ऑनर। मैं 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सूरज नाम के आदमी के साथ था। कौन सूरज? मुझे उसका पता नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुझे उसकी जीप का नंबर मालूम है, MMF 1224। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं सूरज को यहां बुलाकर
मेरे बयान की तस्दीक कर ली जाए। दरखास्त मंजूर की जाती है, सूरज को अदालत में पेश किया जाए। बताओ बेटी, रो क्यों रही हो? हमारे पापा को पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस? हमारे पापा को ला दो ना अंकल, हम पापा बिना नहीं रह सकते। रो मत बेटी, तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे और हम तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए। ये सारे खिलौने ले लो अंकल, लेकिन मेरे वास्ते पापा को ला दो। ये खिलौने तुम रखो बेटे। अंकल, हमें तुम्हारी सौगंध, तुम्हारे पापा को लाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अब उनकी जान अल्लाह के बाद सिर्फ एक ही आदमी की गवाही बचा सकती है। कौन है वो? सूरज। सूरज। माँ जी, आपको आराम की सख्त जरूरत है। थोड़ी देर के लिए अपने मुन्ने को भूल जाइए ना। कैसे भूल जाऊं? मेरा इकलौता बच्चा था, मैंने सूरज नाम के एक लड़के को अपने घर में पनाह दी थी और उसी ने मेरी गोद उजाड़ दी। माँ जी, अल्लाह पे भरोसा रखिए, आपका मुन्ना आपको जरूर मिल जाएगा। मेरा मुन्ना मिल जाएगा। तुम्हें यहां क्या लेने आया? आपको लेने नहीं, देने आए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी माँ की जान खतरे में है, ऐसा ना हो कि वो मर जाए। आराम ज़ादे, एक शब्द भी माँ के बारे में बोला तो जान से मार डालूंगा। अपन को भी हाथ की भाषा आती है सेठ, बहुत बिंदास आदमी है अपन। तुम्हें मुन्ना का पता बताने आया था, नहीं मांगता कोई बात नहीं, अपन चला सेठ। ए, क्या जानते हो तुम मुन्ना के बारे में? अब आया ना लैंड पे, अपन ने घाट घाट का पानी पियला, अखा दुनिया का हिस्ट्री पता है अपन को। मुझसे मजाक करता है, मेरी मजबूरी का फायदा उठाता है कमीने। काय का गुन्नस खाता है? अबे हाथ नीचे कर, मुन्ना का पता चाहिए तो चल अपुन के साथ, हाथ नीचे। लगता है तुमको अपन बिल्कुल विश्वास नहीं। अपन पे विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस खोचू पे तो विश्वास होगा। ये खोचू तुम्हें मुन्ना तक पहुंचा सकता है। कहां धर्मदास? कुत्ते, नीच जलील, तेरी इतनी जरूरत, मैं तुझे शाखा, जाओ अरे जाओ यहां से, जाओ। बता मुन्ना कहां है? कुत्ते सुना, कुत्ते को कुत्ता नहीं कहा करते, नहीं तो काट खाया करता है। उसके जो दांत होते हैं ना, उसमें से जहर उतर जाता है, जहर। बोल, नहीं बताया तो जान से मार डालूंगा। बता मेरा मुन्ना कहां है? ठीक है, तुम मुझे मार डालना चाहते हो ना, ये लो रिवॉल्वर, चला गोली और मार डालो मुझे। लेकिन याद रखो, मुझे मार डालने के बाद तुम्हें मुन्ना कभी नहीं मिल सकेगा। अगर तुम मुन्ना को मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें अदालत में ये कहना पड़ेगा, 11 तारीख को असलम शाम के 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक तुम्हारे साथ नहीं था। सूरज अदालत में जो भी कहेगा सच कहेगा। अगर तुम्हें सच बोलने का इतना ही शौक है तो याद रखो, ये सच तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा। मुन्ना तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारी मां मर जाएगी और तुम हमेशा के लिए अनाथ हो जाओगे, अनाथ। सूरज, तुम पहले भी अनाथ थे, आज भी अनाथ हो,
और कल भी अनाथ ही रहोगे। धर्मदास, अगर ये मेरी अपनी जिंदगी का सवाल होता तो ये नीच काम मैं हरगिज नहीं करता, लेकिन तुम मां के लिए मेरी कमजोरी और मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहे हो। कोई बात नहीं धर्मदास, मैं तुम्हारे लिए अदालत में झूठी गवाही दूंगा, लेकिन शर्त यह होगी कि उस वक्त तुम मेरे साथ होगे, और अगर उसके बावजूद भी मेरा मुन्ना मुझे नहीं मिला तो मैं मां मां तुम्हारा मुन्ना मिल जाएगा। मां, ये तो क्या कह रहा है बेटा, मेरा मुन्ना मिल जाएगा? हाँ मां, तुम्हारा मुन्ना मिल जाएगा। परमात्मा ने मुझे मौका दिया है कि मैं फिर से तुम्हारी उजड़ी हुई गोद मां बात कर सकूं। लेकिन वो है कहां, कब मिलेगा मुझे? तुम्हारा मुन्ना यही है मां, इसी शहर में, और कल मिल जाएगा। मैं सिर्फ एक घंटे के लिए कल अदालत जाऊंगा और तुम्हारे बेटे को लेकर तुम्हारे पास चलाऊंगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बरसों के बाद तूने उम्मीद की किरण तो दिखाई। कौन? पहचाना नहीं मुझे? ओ, बादल सिंह। वादा करो सूरज, तुम सच्ची गवाही दोगी। मैं सच्ची गवाही दूं या झूठी गवाही, इससे तुम्हें वास्ता? वास्ता है सूरज, तुम्हें सच्ची गवाही देना होगा, वरना मैं उस जुबान को काटकर फेंक दूंगा जो झूठी गवाही देकर एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, ये मेरा फैसला है, और बादल सिंह के फैसले कभी नहीं बदलते। फैसले तो मैं अभी तुम्हारे। गवाह सूरज सिंह हाजिर हो, गवाह सूरज सिंह हाजिर हो। मिस्टर सूरज, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 11 जनवरी की रात को 8 से 11 बजे के दरमियान सेठ रतनलाल का खून हुआ, लेकिन मुलजिम असलम का कहना है कि उस रात 8 से 11 बजे तक वो आपके साथ था, क्या यह सच है? जवाब क्यों नहीं देते मिस्टर सूरज? सूरज, सोच के रखो, खुदा के वास्ते सच बोलो सूरज, खुदा के वास्ते। नहीं तो मेरी बीवी बेवा हो जाएगी और मेरी बच्ची एतिम हो जाएगी। सूरज प्लीज, खुदा के वास्ते सच बोलो सूरज, बता मुन्ना कहाँ है कुत्ते? मुझे मारना चाहते हो ना, ये लो रिवॉल्वर और चला दो गोली और जान से मार डालो मुझे। याद रखो, मुझे मारने के बाद मुन्ना तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगा। जवाब क्यों नहीं देते मिस्टर सूरज? कत्ल के वक्त मुलजिम असलम आपके साथ था या नहीं? दरअसल बात यह है कि जब मेरा मुन्ना नहीं रहा तो मैं जिक्र क्या करूंगी। मेरा इकलौता बच्चा था, मैंने सूरज नाम के एक लड़के को अपने घर में पनाह दी थी और उसी ने मेरी गोद उजाड़ दी, उसी ने मेरी गोद उजाड़ दी। मेरा मुन्ना मुझसे छीन। माँ जी, अल्लाह पर भरोसा रखिए, आपका मुन्ना आपको जरूर मिल जाएगा। याद रखो, ये सच तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा। मुन्ना तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारी माँ मर जाएगी। सच बोलना सूरज, वरना उनकी बद्दुआएं तुम्हें जिंदगी भर चैन नहीं लेने देंगी। सोच कर रहे हो, खुदा के वास्ते सच बोलो सूरज, बोलो। जवाब क्यों नहीं देते मिस्टर सूरज? वकील साहब, 11 जनवरी की रात 8 बजे से 11 बजे तक मुलजिम असलम मेरे साथ नहीं था। झूठ बोलता है ये झूठ बोलता है ये बिल्कुल झूठ बोलता है। गद्दार सूरज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं। गिरफ्तार कर लो इसे। अरे
अरे माँ, तुम यहाँ कैसे चली? तुम्हें आने में देर हो गई तो मेरा दिल धड़कने लगा, मैं घबरा कर यहाँ चली आई। अरे मगर अस्पताल से डॉक्टर लोगों ने तुम्हें आने कैसे दिया? मैं डॉक्टर से छुप कर आई हूँ, कहाँ है मेरा मुन्ना? मैं मुन्ना को लाने जा रहा हूँ माँ, आओ मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ दूँ। आओ ना माँ, आओ मैं रास्ते में तुम्हें सब बताता हूँ। माँ जी, माँ जी, नर्स, बचाओ! गाड़ी रुकना बेटे। शुक्र है अल्लाह का जो तेरी जान बच गई। कहाँ जा रही थी तू? मेरी अम्मी बीमार है, मैं दवाई लेने गई थी। अच्छा, रोते नहीं बेटे, आओ मेरे साथ। अम्मी अम्मी, देखो कौन आया है। कौन आया है? इन्होंने मेरी जान बचाई है। हाय अल्लाह, जान बचाई है। आओ ना बड़ी माँ, आओ ना बड़ी माँ, चलो ना, चलो। क्या हुआ था इसे? गाड़ी से टकरा जाती। हाँ, बाल बाल बच गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्र तो अल्लाह का है जो इसकी जान बच गई। बड़ी प्यारी बच्ची है, इसी ने मुझे खीर खिलाई थी। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ, तुम आराम करो, फिर कभी आऊंगी। आदाब। जीते रहो। सुनिए, आप पहली बार हमारे घर आई, चाय तो पीती जाइए। नहीं बेटी, मुझे जल्दी है। अच्छा, ये कंगन क्यों? क्या बात है? इसमें का दूसरा कंगन कहाँ है? वही तो मेरा दुश्मन बन गया। मेरा बेटा कंगन लेने गया था, फिर वापस नहीं लौटा। आपका बेटा? हाँ, मेरा एकलौता बेटा, बस उसी की तलाश में बीस साल से दर बदर भटकती फिरती हूँ। आपका दूसरा कंगन मेरे पास है, ये रहा, ये देखिए। दूसरा कंगन? ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आया? मेरे शोहर ने मुझे दिया। तुम्हारे शोहर ने? कोई मेरा मुन्ना तो नहीं? मुन्ना, मेरा मुन्ना, ये देखिए। हाँ, वही शक्ल, वही नाग नक्शा, वही आंखें, मेरा मुन्ना, मेरा बेटा, यही है मेरा मुन्ना। मेरा बेटा मुझे मिल गया, मेरा बेटा मुझे मिल गया। बहू, कहाँ है मेरा मुन्ना? मेरा मुन्ना कहाँ है बहू? तुम सचमुच मेरी दादी माँ? हाँ बेटी, मैं सचमुच तेरी दादी माँ हूँ, मैं सचमुच तेरी दादी माँ हूँ। चलिए माँ जी, देर हो रही। देखा, देखा, मेरा मुन्ना मुझे मिल गया, मेरा मुन्ना मिल गया। ये है मेरी बहू, ये मेरी पोती। अल्लाह ने मेरा सब कुछ लौटा दिया, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर फिर से बना दी। अरे हाँ, मैं भी कितनी पागल हूँ। तुम लोगों के मिलने की खुशी में मैं अपने मुन्ने को भूल गई। बहू, बता ना मेरा मुन्ना कहाँ है, मैं उसे मिलने के लिए बेचैन हो रही हूँ, बता ना। माँ, आप अपने मुन्ने से नहीं मिल सकती। क्यों? इसका जवाब ये देंगे। क्या बात है, ये बहू क्या कह रही है? तूने तो मुन्ने को मुझसे मिलाने के लिए कहा था, और ये कह रही है
मैं अपने मुन्ने से मिल नहीं सकती। तो चुप क्यों है? क्या बात है? तू बोलता क्यों नहीं? जवाब दे। ये नहीं बताएंगे माँ, मैं बताती हूँ। आपका बेटा जेल की सलाखों के पीछे मौत का इंतजार कर रहा है और उसका जिम्मेदार ये आदमी है। ये तो क्या कह रही है? हाँ माँ, ये आदमी नहीं शैतान है। इसी ने तुम्हारे बेटे के खिलाफ झूठी गवाही देकर उन्हें खूनी और कातिल साबित कर दिया। नहीं, नहीं। हाँ माँ। क्या कहा? मैंने इसीलिए तुझे माँ का प्यार दिया था कि तू मेरे ही ममता का गला घोटते। 20 साल पहले भी मैंने एक यतीम को अपना बेटा बनाया था और उसने भी इसी तरह मुझे धोखा दिया था, और आज तूने भी बेटा बनकर मुझे धोखा दिया। बोल बोल, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो तूने मुझसे ये बतला लिया? बोल। क्या किसी को माँ का प्यार देना गुनाह है? क्या किसी को माँ का प्यार देना गुनाह है? सुना था यहाँ आया है? कहाँ है वो कमीना? यहाँ आया था भाईजान, लेकिन अपना काला मुंह लेकर चला गया। अंकल, आपने तो बोला था मेरे पापा को लाएंगे, आपने मेरे पापा को क्यों नहीं लाया? क्यों नहीं? जरूर लाएंगे बेटे। वो देखो मेरी दादी माँ है, अब मेरे पापा को जरूर लाना, जरूर लाना। अरे ये तुम्हारी दादी माँ है, घबराओ नहीं माँ। माँ? नहीं नहीं, मुझे माँ मत कहो। मुझे माँ के नाम से नफरत है। जिसने मुझे माँ कहा उसी ने मेरी ममता का गला घोंट दिया। तुम्हारी ममता की सौगंध माँ, मैं तुम्हारे बेटे को जरूर वापस लाऊंगा, वरना उसके साथ साथ मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सिर्फ तुम्हारी ममता ही का सवाल नहीं, एक बहन के सुहाग का सवाल है, एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है। और जब तक बहादुर सिंह जिंदा है, उसकी बहन का सुहाग नहीं उजड़ सकता, उसकी मुन्नी यतीम नहीं हो सकती। तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा माँ। धर्मदास, कहाँ धर्मदास? सरकार, वो तो बाहर गए। अबे हट। जान से मार डालूंगा मैं तुझे, तू अपनी मौत अपनी आंखों से देख। बता धर्मदास कहाँ है? बता धर्मदास कहाँ? बता, 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 नहीं तो जान से मार डालूंगा। शिमला गया आपने जंगलात में, मारना मत, गरीब की गलती है। अरे उस्ताद, चले गए बिना जवाब दिए चले गए। लगता है कुछ ज्यादा ही लफड़ा है, देखता हूँ। ज्यादा ही डर आ रहा है, कुएं का मेंढक मालूम होता है, तालाब में आ गया। मेरे उस्ताद से टक्कर घुमा डालूंगा। बोल क्या बात है, बोल। आज गांव में अभी हमारा मुंह चूम रही है।
क्या समझता था कि तू बच जाएगा? तू अगर पाताल में छुपा होता तो वहां भी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ता। सच सच बता, सेठ रतनलाल का कातिल कौन है? असलम है, असलम। खबरदार, जो असलम का नाम लिया हो तो मेरा भाई मुन्ना है, और तूने मेरे ही हाथों से गले में फांसी का फंदा डलवा दिया और मैं तेरे खार उतार दूंगा। खाल खींच लो इस हरामजादे की, मार डालो इसे, इसकी खबर यही बना, यही बना दो खबर। सूरज हमारा पीछा करते करते शिमला पहुंच गया है। लेकिन उस हरामजादे को कैसे पता चला कि हम लोग शिमला में हैं? ऐसा सरकार, बादल सिंह भी असलम की फैमिली के साथ शिमला पहुंच गया। आई बादल सिंह? सरकार, अगर बादल सिंह को सूरज मिल गए तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, जल्दी कुछ कीजिए। घबराओ नहीं धर्मदास, शाह कहाँ है? सेठ, क्या आप फोन कल्याण करते हैं? तुम्हारा क्या तकलीफ है? अचानक गाड़ी पंचर हो गई, साथ में लेडीज और बच्चे हैं, क्या आप हमें ऊपर तक लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ, अपन वहीं जाता है। धन्यवाद, चलो भाई उतरो। सेठ जी, आप नहीं, आप यहीं ठहरिए और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। आंखें मत बंदा सेठ, शाहकार हमें अपुन का गोलियों से जीना छलनी कर देता हूँ। आबे घोंचो आगे नहीं। इसे थाम ले। सट 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 एक एक चीज दिखा। ये फटाका नहीं, बॉम्ब कहते हैं इसे। ये थाम ले। खामोश, नहीं तो चाकू मार दूंगा। हमारा सेठ शाका असलम के अक्का खानदान को लेकर आ गया। बस अब अपुन का हिसाब किताब हो जाना चाहिए। जल्दी ये लो। वाह सेठ वाह। एक मिनट शाका, एक काम और करो। बोलो सेठ, बोलो, जल्दी बोलो। चांदनी को गायब कर दो। इतना आसान नहीं है सेठ। वो क्या है कि तुम पैसा फेंको, तमाशा देखो। ये लो। क्या सेठ की अपन को ये नोता का खुशबू है ना, बहुत बढ़िया लगता है। चांदनी को अपन गायब कर देगा। फातमा बीबी। कौन धर्मदास? हाँ, तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते थी ना। चलो अब मैं तुम्हें अपने पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ, जहाँ तुम तीनों सड़ सड़ के मरोगे। ठीक है धर्मदास, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर में। अरे चलो 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 बढ़िया।
सोचो, अपन को तो लंगड़ा समझता था ना, अपन लंगड़ा नहीं है। देख, अपन नौ खून करके जेल से भागल है, अब दसवा खून का तुम्हारा नंबर है सेठ, तुम्हारा नंबर। मैं तुझे इसका मौका नहीं दूंगा। कमीने कुत्ते, तूने मेरी माँ की जान ली थी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जरा सी बात के लिए अपनी जान गवा दी, लेकिन मैं जानता हूँ तू समझदार है। अभी तुझे पता चलेगा मैं क्या। पांव में घुंघरू बांधकर नाचने वाली हमसे मुकाबला करना चाहती है। तूने मेरे घुंघरों की आवाज सुनी है, मेरे बाजों की ताकत नहीं देखी। ये ले, कैसे बजे घुंघरू बोल, ये ले। उठ कमीने, वही गलती जो तेरी माँ ने की। अभी इसमें चार गोलियां बाकी हैं, इस तरह मान जाओ वरना वरना अब तेरी खैर नहीं, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। तूने लड़की पे हाथ उठाया, मैं तुझे दुनिया से उठा दूंगा। बीबी कैसा लगा हमारा पुलिस स्टेशन? हमें
सूरज, सूरज, अदालत में तो तू मेरी गोली से बच गया था, लेकिन आज तू जिंदा नहीं बचेगा। नहीं बदल, इस वक्त तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना ये मेरी बात सुनो, एक बार मुझे बोलने का मौका दो। बादल सिंह, मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अब तू किसी बहाने नहीं बच सकता, जब तक असलम का बदला ना ले लूं मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर तू मेरी बात सुनना नहीं चाहता तो मार डाल मुझे। सोच बेटे कि मैं तुम्हारे पापा को नहीं ला सका। तुम्हारा असलम कोई और नहीं बल्कि मेरा खोया हुआ मुन्ना है, जिसे धर्मदास बचपन में उठाकर ले गया था। और धर्मदास ने मुझसे कहा था कि अगर मैं असलम के खिलाफ झूठी गवाही अदालत में दे दूं तो वो मेरा खोया हुआ मुन्ना वापस कर देगा। बस इसी में मैंने अपना ईमान बेच दिया था, सिर्फ इसी में मैंने अपना ईमान बेच दिया दोस्त। सूरज, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती की। काश तुमने मेरी बात पहले सुन ली होती। उस्ताद देखो, मैं तुम्हारे असलम को ले आया और इस पॉकेट मार ने सब कुछ उगल दिया। अरे बेटे, वो देख बेटे, तुम्हारे पापा आ गए। हाँ यास्मीन, यास्मीन मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। बादल, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। दोस्त? तुमने मुझे दोस्त कहा है ना, तो एक बार मुझसे हाथ मिला लो, एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे हाथ मिला लो मेरे दोस्त। हाँ दोस्त, तुम तो मुझसे भी बड़े उस्ताद निकले। हाँ दोस्त। मन्ना, मन्ना, ये रहा धर्मदास, इसने मुझे कोठे में बेच दिया था और मांझी का बच्चा भी छीन लिया। नहीं नहीं नहीं, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? तुम्हारी बगल में खड़ा है तुम्हारा बगली घूसा, जिसने तुम्हारे ढोल का पोल फोड़ दिया। बोल नगाड़े, बोल, पोल खोल, बोल 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 बोल। नहीं सरकार, असली फसाद की जड़ यही है, इसी ने मुझे असलम की घड़ी चोरी करने के लिए कहा था। नमक हराम, ये क्या कह रहा है तू? देखा धर्मदास, जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है वो खुद ही उस घड़े में गिरता है। मैंने कहा था ना, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं।